पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात के चर्चे पूरी दुनिया में हैं यही वजह है कि हर बर्स मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद इन हसीन और दिलकश मकाम का दौरा करना दूर दूर ऐसी आती है पाकिस्तान अमन खूबसूरती और मेहमान नवाज लोगों की सरजमी है दिलकश वादियाँ हसीन मैदान और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान की पहचान है सियाहत की कई अकसाम है जैसे की इनफरादी सियाहत जरि सियाहत सकाफती सियाहत बहरी सियाहत वगैरह और पाकिस्तान में तमाम ही सियाहत के वसी मौजूद है इसे बलोचिस्तान का एक अहम मकाम है अगरचे बलोचि का बहुत सा हिस्सा खूबसूरत खुश पहाड़ी और सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है लेकिन इनके दरमियान मतदीद ऐसे मकाम मौजूद है जो की सहरा में नखलिस्तान के बराबर है इसके बहुत से इलाके सर्द इलाके कहलाते हैं खूबसूरत लैंडस्केप ऐसी से सजी सरजमी बलोचिस्तान का हर रंग हसीन और हर रूप दिल फरेब है यहाँ कई मट्याले कहीं सूखे माइल तो कहीं सरसब्स पहाड़ और खूबसूरत फितरती मनाजिर का हुसन बखेरती वादियाँ हैं तो कहीं इन वादियों में कुदरती दर्रे गार और साफ पानी के गुनगुनाते चश्मे दावत नजर देते हैं यहाँ दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिल मौजूद है लेकिन यहाँ की आबशारे एक अपना ही असर रखती है यहाँ बहुत सी खूबसूरत आबशार है जिनकी हम आपको सैर करवाएंगे मोला चटूक मोला चटूक सतह समंदर ऐसी साढ़े तीन हजार फीट की बुलंदी आरोप शफाफ पानी के झरनों और आबशारों ऐसी घिरा हुआ एक ऐसा कुदरती स्विमिंग पूल है की जिसकी पहली झलक ही आपको बेचैन कर देती है पानी मुसलसल ऊंचाई ऐसी आबशारों की सूरत में नीचे की तरफ आता है जिसके बाईस हर आबशार के सामने एक छोटा सा तालाब बन जाता है जिसमे तैराकी कर सकते हैं। ये तफरी मकाम बलोचिस्तान के जिला खुजार के इलाका मोला में वाक़ है बराहवी और बलोची जबानों में ऊपर से कतरों की शक्ल में नीचे गिरने वाले पानी की बाज इकसाम के लिए चटूक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मोला चटूक में दरअसल मतदीद बड़ी और छोटी आबशारे हैं आबशारों ऐसी गिरने वाले पानी के मुनासब ऐसी ये इलाका मोला चटूक यानी मोला के आबशार के नाम ऐसी मशहूर है मोला चटूक तक पहुँचने के कई रास्ते हैं लेकिन इनमें ऐसी दो रास्ते बलोचिस्तान के शहर खुजदार ऐसी निकलते हैं मोला चटूक शहर सार से शुमाल मश्रक में अंदाजन पैंसठ किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है मोला चटूक पहुँचने का एक रास्ता झलमकसी रोड है जो आर सी डी हाईवे पर खुजदार शहर के तकरीबन बीस किलोमीटर बाद दाएं जानब निकलता है इस रोड का अच्छा खासा हिस्सा पक्का है लेकिन इसका चालीस किलोमीटर हिस्सा दुशवार गुजार है मोला चटूक पहुँचने का दूसरा रास्ता खुजार सखर रोड है जो तकरीबन दस किलोमीटर के बाद बाएँ जानब एक पत्थरीला रास्ता है इस पर सिर्फ फोर बाय फोर गाड़ियाँ ही चल सकती है अगर चेहर मोला चटूक का रास्ता दुशवार गुजार और सफर मुश्किल है मगर इसी कुदरती हस्न को देख कर इंसान फौरन इन मुश्किल को भूल जाता है ये इलाका न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि वहाँ पर पुरकशिश आबशार हर वक्त गुनगुनाती नजर आती है पीर गायब बलूचिस्तान का ये खूबसूरत पिकनिक कोयटा ऐसी तकरीबन अस्सी किलोमीटर के फासले आरोप वाक़ा है यह एक दरगाह है दरगाह के साथ एक आबशार और तालाब है जो बहुत ही खूबसूरत और तफरी मकाम है पीर गायब की इन आबशारों और इसी छोटी सी झील का साफ शफाफ पानी सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में ठंड होता है इंतहाई खूबसूरत मकाम है पहाड़ से निकलने वाला पानी आगे जाकर चार से पाँच चश्मों में तब्दील हो जाता है और हर चश्मे के इर्द गिर्द खजूरों और दूसरे दरख्तों का झुंड इससे मजीदश बना देता है जिंदगी के बाद सफर ऐसे होते हैं जिन पर ना तो पाँव थकते हैं और ना ही दिल बेजार होता है और न ही आ मंजिल देखने की जल्दी होती है बल्कि धीरे धीरे ऐसी मंजिल की जाने बढ़ते हुए कदम इस रास्ते पर ही चलते रहना चाहते हैं इस फत अजीज को अल्लाह पाक ने भरपूर जमीन अताफरमाई यहाँ फितर के तमाम रंग भरे हुए हैं पाकिस्तान में कुछ पुरकशिश मकाम है जिनकी हम सरी दुनिया का कोई सियाहती मकाम नहीं कर सकता इनमें एक बोलान पास भी है सियाहों ने ऐसी वादियों सहर अंगेज झीलों और पुर पुरस्ार मकाम की सैर तो की है मगर ऐसे दिलकश इलाके जिन्हें देखकर खाब सा गुमा होता है इन इलाकों में ऐसी एक सरसब शादाब दिल फरीब इलाका पीर गायब है जो बलोचिस्तान के जिला बोलान में वाक़ है पीर गायब का इलाका पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्स वादी की सूरत में मौजूद है इस हसीन इलाके में पहुँचते ही ऐसा मालूम होता है कि हम नई दुनिया में आ गए जहाँ नजर पड़ती है वहीं कुछ लम्हों के लिए जिंदगी ठहर जाती है चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और इस पे छम छम करता साफ ठंडा पानी बहता है ये हसीन आबशार दो मुखल हिस्सों में तकसीम होकर गिरती हुई पुर नजारा पेश करती है परी चश्मा कोयटा ऐसी एक किलोमीटर दूर जिला हर में एक खूबसूरत चश्मा है जहाँ का ठंडा पानी सयाहों की थकन उतार देता है और वो शहर जदा हो जाते हैं पहाड़ ऐसी गिरने वाला पानी एक तालाब में तब्दील हो जाता है जहाँ मंचले बुलंदी से छलांग लगाते हैं और नहाते हैं हर जिला का ये सियाहती मकाम पहाड़ों के दरमियान गहरे पानी के खूबसूरत आबशार पर मुश्तमिल है पूरे मुल्क से लोग अपनी फैमिली के साथ इस पुरफजा मकान ऐसी लुफानदोज होने के लिए आते हैं यहाँ पहाड़ से निकलता हुआ पानी का चश्मा साल भर बहता रहता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता चारों इतराफ पहाड़ ही पहाड़ दरमियान में बहता हुआ चश्मा हुआ उड़ाक कोटा शहर ऐसी बीस किलोमीटर के मुसाफिर आरोप हैना झील है इस झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में होता है क्योंकि इस झील को चारों जानब से बड़े बड़े पहाड़ों ने ढांप रखा है ये झील अठारह में बरतानवी दौर में बनाई अठारह सौ अठारह एकड़ में फैली हुई इस झील में तीन करोड़ बीस लाख पानी जखीरा करने की वसत है इक्कीस बारिशों को कम होने के बायस अक्सर ये झील सूख जाती है और बंजर जमीन सामने आ जाती है इसे कुछ फासले पर पहाड़ी आबशार का दिल लुभाने वाला वो सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे देखकर इंसान कुदरत के हुस्न पर रश करने लगता है बर्फ की तरह ठंडा पानी पहाड़ों से बहता हो शहर की जानब आता है और लाखों लोगों को सैराब करता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हरी भरी जमीन और शोर मचाता पानी का बहता हुआ रेला सियाहों को अपनी जानब खींच कर ले आता है कुंजार का खूबसूरत इलाका कुंजार्ज और इसमें मौजूद बहुत से खूबसूरत मकाम में से एक मगर पीर या कुंजार्ज आबशार की सहर का अपना ही एक मजा है यहाँ बहुत से आबशारे हैं लेकिन दो मशहूर है ये दोनों आबशारे एक ही जगह मौजूद है और दोनों के दरमियान चंद मीटर का फासला है आबशार का यक ठंडा पानी होता है यहाँ लोग कैंप लगाते हैं और रात भी ठहर जाते हैं यहाँ बारबेक्यू का भी अपना मजा है आबशार की आवाज से मात में ताजगी के साथ एक दिलकशी का समा बांधती है दूर दूर बहुत ऊंचे नीचे तकरीबन मट्टी के पहाड़ इनके बीचों बीच छुपा हुआ आबशार और मुसलसल पानी बहता हुआ इंसान पर सजदा शुक्र वाजिब हो जाता है चावर मछी बलोचिस्तान में खुददार का इलाका चावर मछली कुदरत के हसीन नजारों में से एक नज़ारा है ये एक सर्द आबशार है जो बहुत ही खूबसूरत एहसास बख्शती है ये की खूबसूरत और ताकत का मंर है जो देखने वालों को महसूर या दंग कर देती है यह आबशार अपने इंतहाई साफ शफाफ पानी की वजह से भी जानी जाती है बुलंदी से नीचे एक तालाब में गिरने वाली इस आबशार का नजारा देखने वालों पर जादू तारी कर देता है सूरज की रोशनी पानी से टकरा कर देखने वालों के लिए इंतहा खूबसूरत कोसे कजा का मंजर पेश करती है पाकिस्तान अल्लाह तला का अता करदा वो खूबसूरत खतरा है जो हर तरह की खसूसियात ऐसी माला माल है पाकिस्तान के हसीद मकाम न सिर्फ दुनिया के बेहतर मकाम का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि चंद मकाम ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे जा सकते पाकिस्तान के खूबसूरत मकाम सयाहों को अपनी तरफ खींचे हैं पाकिस्तान की हसी वादिया खूबसूरत मनाजर सर सब शादा पहाड़ और बेहतर दरिया और यहाँ का सकाफती वर्सा अपने अंदर कई खूबियाँ और खूबसूरतियाँ समेटे हुए हैं लेकिन यहाँ की आबशारे अपना ही एक असर रखती है ये खूबसूरत आबशारे पाकिस्तानी सियात का शाहकार है सियात ही की वजह ऐसी मुल्की सतह आरोप तो हर साल पाकिस्तान में सियाहत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं अब उम्मीद इस बात की है की पाकिस्तान दुनिया में भी अपनी असल खूबसूरती के लिए जाना जाए नासी आप इन खूबसूरत आबशारों इनके खूबसूरत नजारों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगा करें वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हर किस्मत भूलें ताकि आपको इस तरह की हमारी दिलचस्प मालूमी और खूबसूरत वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अल्लाह हाफिज ये वीडियो सोशोन के ताउन ऐसी पेश की गई है सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन डॉट पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर एप्पल एप स्टोर से सोशल ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें